सिखाने वाली हूँ ऐसे नाश्ते की रेसिपी। अगर देखेंगे एक बार इसको, जरूर इस रेसिपी को बनाएंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो मैं एक नई रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। अब यहाँ मैंने ले लिया है एक चम्मच सौंफ और एक चम्मच इसमें मैंने डाल दिया है जीरा, इसे हम डाल देंगे तेल में। इसे थोड़ा हम मतलब चटक जाने देते हैं। इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें मैं बड़े बड़े पीसेस में प्याज मैंने कट करके रखा था पतला पतला, वो डाल देंगे। एक प्याज कट करके इसमें डाल देंगे। कलर चेंज होने तक इसे हम भून लेते हैं। अब कलर चेंज होने तक इसे मैंने पका लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें मैं गरम मसाला डाल दूँगी, हींग डाल देंगे। अब इसे थोड़ा सा मैं अच्छे से और पका लेती हूँ। अब यहाँ मैंने 5 से 6 आलू को अच्छे से छील करके मैश करके ले लिया। इसमें सारा इसको अच्छे से हम इसी के साथ मिला लेते हैं, अच्छे से इसको हम इसी के साथ मैश करके ले लेते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, चाट मसाला डाल देंगे इसमें। अब इसको मिक्स करके नमक को गैस का फ्लेम बंद कर देना है। ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे, गैस का फ्लेम बंद कर दिया मैंने। एक बर्तन में इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ मैंने 3 से 4 प्याज को पत्ते पत्ते पीसेस में इस तरह से लेयर जैसा कट करके ले लिया है। इसको मैंने एक बड़े बर्तन लिया है कि बड़े बर्तन में इसको अच्छे से मिलाते बनेगा। यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 कप बेसन, इस पर हम डाल देंगे। 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 3 से 4 चुटकी हींग डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसमें हम पानी डाल के इसका हाथों से ही इसको मिलाना है, मतलब कि इसको एकदम पतला नहीं करना है। इसको इसी तरह से थोड़ा, जैसा हम मतलब पकौड़े वगैरह बनाते हैं, इससे थोड़ा सा ये मतलब ढीला रहेगा। मतलब यहाँ मैंने ले लिया है 3 से 4 ब्रेड। अब इसका साइड साइड का इस तरह से हम कट कर देंगे। अब मैं क्या करूँगी, इसे इस तरह से थोड़ा सा बेलन से बेल दूँगी ताकि ये थोड़ा अच्छे से चिपटा हो जाए। इसी तरह से बेल करके सारा ले लेने का है। अब यहाँ मैंने इसी तरह से सारा बेल कर ले लिया है। अब यहाँ मैंने एक ब्रेड ले लिया है। अब इसके अंदर इस तरह से हम जो आलू का मैंने स्टफिंग बनाया था तरह से इसको हम रखेंगे। पतले लेयर में ही रखना है, मतलब पतला ही पतला, ज़्यादा इसको भरना नहीं है। जितना इसमें आ सके उतना ही इसमें डालना है। तो इस तरह से इसमें हम रख देंगे। साइड साइड में हम पानी लगा देंगे थोड़ा। इस तरह से पानी थोड़ा लगा लेंगे तो क्या है ना, अच्छे से ये मतलब रोल हो अच्छे से होगा, खुला नहीं रहेगा, चिपक जाएगा अच्छे से। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, इसी तरह से इसको फोल्ड करके ले लेने का है। इसी तरह से सारा इसको करके ले लेने का है। यहाँ मैंने इसी तरह से सारा बना करके ले लिया है। अब क्या करेंगे, जो मैंने प्याज का पेस्ट बना के रखा है इसमें इस तरह से हम डालेंगे इसको, अच्छे से लग जाए। आप देख सकते हैं इसी तरह से इसको करके ले लेने का है सारा। इसको गर्म तेल में डालना है। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, इसमें हम एक एक करके डालेंगे। जितना इसमें आ सकता है उतना ही डालना है। अब इसे डालने के बाद फटाफट इसको दूसरे साइड पे पलट देने का, क्योंकि बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाता है, टाइम नहीं लगता है। गैस का फ्लेम तेल अच्छे से हो जाने के बाद मीडियम में कर देने का। तो इसको हम दूसरे साइड में भी पलट देते हैं। दूसरे साइड का भी इसी तरह से अच्छे से फ्राई करके ले लेने का है, मतलब लाल होने तक। अभी दोनों तरफ का मैंने अच्छे से फ्राई करके ले लिया है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे, बाकी का बचा भी इसी तरह से फ्राई करके सारा ले लेने का है। यहाँ हमारा ब्रेड का ब्रेड पकौड़ा गर्मा गर्म बन के तैयार हो गया है, नई रेसिपी वाला। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा आप। अब इसे मैं इस तरह से कट कर दूँगी। को हल्के हाथ से कट करके ले लेने का है।
अब इस तरह से इसे मैंने कट करके ले लिया है, बिल्कुल कटलेट के जैसा, जैसे कटलेट को काटते हैं इसी तरह से मैंने इसको कट करके ले लिया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा, मेहमान आए तो इस तरह से आप बना के खिला सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है और बड़ा अलग तरीके का ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार हो जाएगा इस तरह से बनाएंगे। इससे आप टमाटर की चटनी और सॉस के साथ खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब मैंने आपको नोटिफिकेशन मिल सके।